हाई एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सो आज मैं आपको प्रोडिक्शन में शेयर करने वाली हूँ जैसे कि आपने यहाँ पर टॉपिक रेड किया है नेक्स्ट सिक्स मंथ जुलाई से दिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हमारे पास रेस्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बचा है सिक्स मंथ तो इसमें वो कौन सी विश हैं जो आपकी पूरी हो सकती हैं यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी कि आपके मन में जो डिज़ायर है आपकी जो कोई भी ऐसी विश या कोई टारगेट कोई गोल कोई ड्रीम जो पूरा हो सकता है पर टैरो हम यहाँ चेक करने वाले हैं सो so, यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन एंड गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए यहाँ मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे सेलेक्ट करना है इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पाइल को कैसे सेलेक्ट करना है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है यहाँ पे तीन ग्रुप हैं पाइल वन पाइल टू पाइल थ्री या तो आप नंबर या फिर कलर की वजह से किसी भी से भी जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस बेसिस पर इस ग्रुप को सेलेक्ट करें अदरवाइज अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो आप अपने बर्थ मंथ के थ्रू भी सलेक्शन कर सकते हैं जो आपका मंथ है जिसमें आपका बर्थ हुआ है आप जिस भी ग्रुप में वो ऐड हो रहा है आप उस ग्रुप को सेलेक्ट करें ओके okay? डिस्क्रिप्शन में, में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे कि नेक्स्ट सिक्स मंथ में जो इस ईयर के बच्चे हैं उसमें आपकी वो कौन कौन सी विशेस हैं वो कौन से गोल हैं ड्रीम्स हैं जो पूरे हो सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग हाय ग्रुप वन आप सभी ने चुना है फर्स्ट ग्रुप को और आपका जो यहाँ पर एनर्जी है चेक कर लेती हूँ एंड देन आई विल शेयर कि आपके लिए वो कौन सी विशेस हैं जो पूरी होंगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें जो भी आप विश चाहते हैं कि पूरी हो जाए विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इन नेक्स्ट सिक्स मंथ ऐसा करने से आपकी विश यूनिवर्स तक ज़रूर पहुँचेगी और आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे ओके okay? सो so, आपकी एनर्जी वी हैव द मैजिशियन देखो आप ऑलरेडी मैजिशियन आ रहे हैं आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विश को पाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी आपके पास अवेबिलिटी है रिसोर्सेज की आपके पास जो भी आपकी तरफ से आप कर सकते हैं बेस्ट प्रेयर और यू नो वेट पेशेंस के साथ या फिर डेडिकेटली उस चीज़ के लिए काम वर्क लाइफ यहाँ पे मैजिशियन बता रहा है कि आप अपने सारे एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं to make your wish come true. So magician, you are dedicatedly working on your plans. Already आपकी एनर्जी में आ रहा है कि यू आर वेरी वेरी फोकस्ड एंड वेरी मच सीरियस अबाउट दिस सो नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्स मंथ आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव हैं और आप उसको नेक्स्ट सिक्स मंथ को वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं एज पर मजिशियन यूनिवर्स से आप बहुत बड़ी बड़ी विशेष को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ओके okay, ये ऐसे गोल दिख रहे हैं कि जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे या आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स बनने वाले हैं सो इट्स रियली नाइस वेरी वंडरफुल एनर्जी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहां पे आपके लिए एडवाइस है एज पर मैजिशियन आप क्रिस्टल्स को लेकर जरूर मैनिफेस्ट करें क्योंकि क्रिस्टल्स के थ्रू हम हायर फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाते हैं मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं सो लेट मी सी आपके लिए वो कौन कौन सी विशेज हैं जो पूरी हो सकती हैं फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉर्ंस Then we have the two of cup. This is great. And we have the page of sword. Okay. सो so, यहाँ बहुत ही अच्छे कार्ड्स आएँ एक तो आपके मल्टीपल फील्ड्स आए मतलब ग्रुप वन आपके लिए ऐसा नहीं कि बस एक ही विश पूरी होगी मैं यहाँ आपको क्लियरली uh, बताती हूँ वन बाय वन क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं ये आपकी कप एनर्जी इमोशनल लाइफ सॉड एनर्जी आपके माइंड में जो ड्रीम चल रहा है करियर uh, को लेके दैट लाइफ एंड द किंग ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है अ बिग अचीवमेंट रिलेटेड टू योर डीप डाउन डिज़ायर यू नो फायर एनर्जी तो फर्स्ट थिंग पेज ऑफ सॉड यहाँ आपकी कुछ ऐसी विश पूरी हो सकती है नेक्स्ट सिक्स मंथ में जिसको लेकर आपकी ऑलरेडी कुछ अभी करंटली सून कोई प्लानिंग चल रही है वो कोई बिजनेस है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं कोई रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा वर्क लाइफ या कोई ऐसा ड्रीम जिसके लिए आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज़ जस्ट इन योर मैनिफेस्टेशन जस्ट इन योर माइंड अभी आपने उसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान या कॉन्क्रीट कोई रोल्स को नहीं मैं यू नो ऑर्गेनाइज़ किया है बट यू आर वर्किंग ऑन दैम लेकिन आपको ऐसा आपका मन है आप उसमें स्टैप लेना चाहते हैं लेकिन बार बार डर रहे हैं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बार बार आपको उसके अंदर डाउट्स बन रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बार बार सोच रहे हैं कुछ ना कुछ इधर उधर से इनसिक्योरिटीज़ बन जा रही हैं तो इन इनसिक्योरिटीज़ को हटा के आपके लिए अगर आप इसमें स्टेप लेते हैं एक्शन लेते हैं सो नेक्स्ट सिक्स मंथ में वो चीज़ आपके सामने होती नजर आएगी द ड्रीम विल कम ट्रू ओके तो ये प्लान के साथ आप ज़रूर चलें इट्स रियली पॉजिटिव अनदर थिंग जो भी आपकी प्लानिंग है उसके साथ टू ऑफ कप आ रहा है सो so, आप अगर सिंगल हैं तो एक रिलेशनशिप यहाँ पर एनर्जी दिख रही है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रपोजल मैरिज की आपकी प्लानिंग है कमिटमेंट की तो भी आपके लिए यहाँ पे कपल एनर्जी आ रही है एंड द गुड थिंग इज द आपके लिए सोलमेट कनेक्शन आ रहा है सो टू ऑफ कप बता रहा है कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सिक्स मंथ में कोई इतना प्योर ट्रू रिलेशनशिप और प्रपोजल और आ कनेक्शन विद कंपेनियन विद समवन जिनके साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्वल uh, फील करेंगे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं या आपके दोनों के बीच में किसी तरीके से अनस्टेबिलिटी चल रही है सो नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपकी वो चीज़ें हील होने वाली हैं सो रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे कपल एनर्जी दिख रही है और आप यहाँ पे अकेला नहीं फील करेंगे नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपके लिए यहाँ पर जो फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है उसका को रिलेशन बन रहा है सो दैट्स रियली नाइस यहाँ मतलब आप अकेले लोनली सैड अपसेट डिप्रेस ऐसा नहीं रहेंगे योर सोशल लाइफ योर पर्सनल लाइफ योर रिलेशनशिप योर क्लोज क्लोज कनेक्शन यहाँ डेवलप हो रहा है सो इट्स ग्रेट इफ यू आर वेटिंग फॉर आ परफेक्ट मैच तो हाँ नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपके लिए है अनदर थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है नेक्स्ट सिक्स मंथ में दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये है ऑनर एंड प्राइड की एनर्जी तो आपको नेक्स्ट सिक्स मंथ में बहुत ज़्यादा अटेंशन वैल्यू एंड रेस्पेक्ट मिलने वाला है और लोगों से सोसाइटी से फैमिली से और जो आप अपने लिए एक यू नो वी ऑल फील लाइक कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ मैं ये डिज़र्व करती हूँ मैं इस तरीके का स्टेटस डिज़र्व करती हूँ मैं इस तरीके की लाइफ स्टाइल डिजर्व करती हूँ नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपके लिए कोई परमानेंट जॉब और आयदर अ काइंड ऑफ गुड पोजिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आपका डेजिनेशन आ रहा है जिसको लेके आप अपने आप को किंग फील करेंगे या फिर मैं बोलूं कि क्वीन फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरीके की बिग डिज़ायर पूरी हो रही है जो आपके लिए लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपके लिए प्रविलेजिजस आपके लिए रेस्पेक्ट आपके लिए ऑनर आपको फ़ील कराती रहेगी ऐसा होता है ना कि हमको बहुत ज़्यादा लव एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है हमको नेम एंड फेम मिल रहा है इफ़ यू आर ऑन नो सोशल मीडिया इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कन्विंस एवरीबडी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लाइफ में कि और लोग बहुत कन्विंस हों आपसे आपसे इंस्पायर हों आपसे मोटिवेट हों आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे बहुत बने और यहीं पे आपके लिए ये अच्छी डेजिनेशन आ रही है जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं सो यू आर कमिंग एज हैड ओके हायर अथॉरिटी पोजीशन सो दिस इज़ सो लवली तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं और ग्रुप वन अगर यहाँ पे बात की जाए मजिशन जो आपके लिए आ रहा था करंट एनर्जी जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं जिस तरीके की भी एबिलिटी है टाइम है रिक्वायरमेंट्स हैं योर कंफर्ट और योर यू नो इंटरेस्ट आप उन सब चीज़ों को साथ आगे लेके चलें क्योंकि यहाँ बता रहा है कि आप जो भी अपने मैजिक स्टिक मतलब जो भी आप अपने मन में सोचते हैं जो भी आप एक्शन लेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रिपरेशन करेंगे अपनी तरफ से इन्वॉल्व होंगे विल इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी सो यू विल विन तो मानो आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कुछ ऐसा परमानेंट एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए ड्रीम जॉब की तरह है या फिर यू नो लाइक ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरह है कि हाँ ये हो गया या ये लोकेशन हो गई या ये कंट्री होगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी तो वो चीज़ आपके लिए नेक्स्ट सिक्स मंथ में कंप्लीट हो रही है सो so डेफिनेटली आप इससे रेजोनेट करेंगे आपकी इनमें से कौन सी विश है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं आप ज़रूर बताएं और कॉमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करें एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी वजह मेरी और आपकी बात होगी और इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स और जैम स्टोन जो आपके लिए लकी साबित होंगे तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं टोटली आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू ओके बाय हाय ग्रुप टू आप सभी ने सलेक्शन किया है ग्रुप टू को पाइल टू को तो जान लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है जो आप नेक्स्ट सिक्स मंथ में क्योंकि हमारे पास बस अब नेक्स्ट सिक्स मंथ ही बचे हैं इस ईयर के तो अपनी विश अपने ड्रीम कोई टारगेट कोई आपका यू नो एनी एनी काइंड ऑफ बिग प्लान जो आप चाहते हैं पूरा हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले देख रही हूँ आपकी एनर्जी सो वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी देखो आपके लिए एनर्जी आ रही है फोर ऑफ वर्ंड्स और इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सेलिब्रेटिंग एनर्जी ऑक्सपीशियस एनर्जी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी बता रही है कि ऑक्सपीशियस टाइम जहाँ मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है या फैमिली यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है सम काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट जिससे कि हर कोई आपको कॉन्गोलेशन्स और आपके साथ बढ़ के आगे चल रहा है और हाउसिंग ड्रीम और आदर सम काइंड ऑफ यू नो लाइक ट्रैवलिंग और अ काइंड ऑफ फ़न सोशल कनेक्शन अ काइंड ऑफ़ फ़न सोशल लाइफ जहाँ पे आप और लोगों के साथ मीट ग्रीट इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर वर्क फॉर योर ड्रीम टू और आ फॉर योर सक्सेस तो आपकी एनर्जी में आ रहा है अगर डीप डाउन देखी जाए तो एक बिग सक्सेस जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं और ये सिक्स मंथ ही सक्सेस पर्सनल लाइफ भी दिख रही है जैसे मैंने आपको बताया मैरिज और आइदर सम फैमिली रीयूनियन फैमिली बॉन्डिंग प्रॉस्पैरिटी और हाउसिंग रिलेटेड टू फैमिली थिंग बिग बिग सेलिब्रेशन और काइंड ऑफ यूनिटी इन वर्क लाइफ जहाँ पर कि आपको सब कॉन्गलेटन दे रहे हैं सो so एक बहुत ऑक्सपीशियस एनर्जी है फोर ऑफ वनस बहुत ही ज़्यादा एक लवली सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिव टाइम जिसका आप वेट कर रहे हैं बहुत बड़े टाइम से हो सकता है कि आप कोई बिजनेस रन करना चाह रहे हैं जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप कोई आपको बहुत अच्छा टारगेट अचीव हो जाए ऐसा इस तरीके से या कोई ड्रीम जॉब मिल जाए ओके सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वॉट इज कमिंग फॉर यू एज़ यहाँ पे हम विश देखने वाले हैं नेक्स्ट सिक्स मंथ में जो पूरी होंगी सो फर्स्ट वी हैव द फूल ओके आपके लिए यहाँ पे अच्छी एनर्जी है अनदर वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ट्स देखो सेवन नंबर आ रहा है सेवन नंबर है यूनिवर्सल नंबर स्परिचुअलिटी का नंबर हीलिंग का नंबर और यूनिवर्स का जो नंबर है मीन्स यूनिवर्स में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा आपको एंजल सपोर्ट करेंगी आपको नेचर सपोर्ट करेगी आपको यूनिवर्स उस चीज़ की तरफ अलाइन करेगा तो so आप ऑलरेडी ऑक्सपीशियस टाइम में स्टार्ट हो गए हैं जुलाई टू दिसंबर आपके लिए बहुत ही लकी पीरियड है फर्स्ट थिंग ठीक है इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं ये बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं क्योंकि तीनों कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं फ्रूट्स के स्वीट रिजल्ट फ्रूट फाइनली हार्वेस्टिंग समथिंग कुछ किया है तो उसका रिज़ल्ट तो पिछले छः महीनों में जो आपने किया है प्लान किया है वर्क किया है होप किया है विश किया है और अगर हम बात करें एफर्ट्स डाले हैं और यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए आ रहा है सबसे पहले द फूल आपके लिए एक नई जर्नी दिख रही है ये नई लोकेशन की भी हो सकती है या फिर कोई एक नई प्लानिंग पे आप काम करें एक नई शुरुआत इट्स टोटली न्यू और ये न्यू एनर्जी अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक ठीक है कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा नो इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को समझ के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल लटको कर रहे हैं पर्सन चॉइस और आइदर सम काइंड ऑफ यू नो लाइक ब्लॉकेज जो आप इमोशनली या फिर फाइनेंशली या फिर आप यू you नो know, खुद के कंफर्ट की वजह से जिस वजह से आप रुके हुए थे क्योंकि यहाँ पे द एनर्जी इज़ कमिंग लाइक अ न्यू फ्रेश चैप्टर वेयर यू आर चूजिंग योर पैशन योर विश योर रोमांस योर फ्रीडम योर ट्रैवलिंग चॉइस और एनी काइंड ऑफ हॉबी इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और पीछे जो बर्डन डला हुआ है लोगों की रोक टोक है या ओपिनियन मिसमैच है वो सब चीज़ें क्लोज हो जाएंगी वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी तो समवेयर आपकी कोई ऐसी विश जिसको लेके और लोग अगेंस्ट हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइबल नहीं है या फिर आपके अकॉर्डिंग जो है आपका पर्सपेक्टिव वो दूसरों से मैच नहीं खा रहा वहाँ आप अपने आप अपने स्टैंड लेके अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये करना ही सबसे बड़ा करेज है सबसे बड़ी ब्रेवरी है एंड यू आर चूजिंग यू यू आर चूजिंग योर डिज़ायर यू आर चूजिंग योर पैशन ठीक है सो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम है मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी ग्रुप टू अगर आपके मन में कोई भी एक बहुत ही क्रिएटिव इंटरेस्टिंग प्लान और ड्रीम और आ विश चल रही है रिलेटेड टू योर ग्रोथ योर करियर या पर्सनल लाइफ तो उसमें आगे बढ़ जाइए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपको यहाँ पे अब रुकने की ज़रूरत है इट्स गुड टू टेक नेक्स्ट स्टेप ठीक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि नई शुरुआत दिख रही है लाइक अ लर्निंग लाइक अ क्रिएटिव लाइक एक्सप्लोरिंग तो एक नया कॉलेज कोई नई यूनिवर्सिटी कहीं एक नया एंट्री लेना वो आपके लिए नई जॉब समवेयर यू आर टेकिंग अ न्यू चैप्टर एज अ न्यू एंट्री जहाँ का एक्सपोजर जहाँ का एक्सपीरियंस आपको नहीं है और आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ आप लर्न करेंगे और वहीं आपके लिए एक नई एनर्जी दिख रही है सो दैट्स इंटरेस्टिंग कुछ काम कुछ विश कोई प्लान है जिसमें आप नई शुरुआत करने वाले हैं तो वो होगी नेक्स्ट सिक्स मंथ में उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखेगी देन वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल जो मैंने आपको बताया कि आप अगर पिछले सात महीने अपने जो सिक्स मंथ है अगर हम बात करें उसमें जो भी आपने हार्डवर्क किया है डेडिकेशनली आपने कुछ प्लानिंग की है तो उसका अब ये टाइम है अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हैं तो इट्स टाइम फॉर हार्वेस्टिंग सेवन ऑफ पेंटिकल आपके लिए मनी गेन आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम मनी यू आर वेटिंग फॉर सम वेल्थ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ़ गुड रिजल्ट जिससे कि आपकी कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कोई आपको ऐसा जॉब प्रोफाइल बन जाएगा जिससे कि आपकी गुड सैलरी हो जाएगी कोई अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा येस दैट्स कंप्लीटिंग करियर के लेकर आपके लिए बिग सक्सेस दिख रही है ये करियर को लेकर अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर रहे थे वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से तो वो अब आपका पूरा होने वाला है ड्रीम ये सेवन ऑफ एंटिकल बता रहा है आपका डेडिकेशन आपका हार्ड वर्क अब आपको रिजल्ट देगा जल्दी से जल्दी वो आपको नेक्स्ट सिक्स मंथ के अंदर अंदर देने वाला है तो ये पैटर्न आपके लिए जुलाई से दिसंबर के बीच में ही पूरा हो जाएगा दिस इज सो सो स्पेशल राइट या सो ग्रुप टू आपका वर्क डेडिकेशन वेस्ट नहीं जा रहा है कंटिन्यूटी में रखें क्योंकि यहाँ आपको गेन होने वाला है और दैट्स रियली फेवरेबल पेशेंस आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है मनी गेन और आयदर जिस चीज़ के लिए अभी तक आप वेट कर रहे थे लाइक यू नो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको कंप्लीट स्टेबिलिटी दे देगा या फिर आपके फाइनेंस में अगर कुछ ऐसा रहता है कि हमेशा खर्च होते रहते हैं और प्रायोरिटी नहीं आ रही वेल्थ नहीं आ रहा तो अब आपके लिए सेविंग स्टार्ट होगी प्रॉफिट स्टार्ट होगा ठीक है अब आप बात करें तो यहाँ पे सेवन ऑफ वांट्स भी आ रहा है सो ग्रुप टू आपके लिए यहाँ पे आप सुप्रीम हो रहे हैं सुपीरियर और लोगों के आपके जो आसपास के लोग हैं आपके जो आसपास में जो आपकी कैटेगरी है या फिर आपके जिनसे कम्युनिकेशन या यू नो बॉन्डिंग है वहाँ आप हाईलाइट हो रहे हैं आप ग्रो कर रहे हैं आपको अटेंशन मिल रही है और आप सुप्रीम हो रहे हैं तो यहाँ आपको प्रमोशन बोलें या एक हायर डेजिनेशन बोलें या फिर आपके लिए लीडर की एनर्जी जहाँ पे कि आप के पास पावर ज़्यादा आ रही है सो यू विल बी एट टॉप ये आप नेक्स्ट सिक्स मंथ में अपने आप को देख पाएंगे जो लोग आपको अभी ऐसा सोचते हैं कि यू हैव नथिंग यू हैव नो करेज या फिर आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज वहीं आपके पास उस तरीके का स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है ये किसी भी पोजिशन से मिल सकता है मनी गेन से मिल सकता है पावर क्योंकि आ रहा है और आ इधर आ काइंड ऑफ यू नो लाइक ऑनर और रेस्पेक्ट से हो सकता है कि और लोग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ रेस्पेक्ट देने वाले हैं ठीक है सो दिस इज़ ग्रेट ये एक अच्छी एनर्जी है और आपकी कॉम्पिटिटर भी बहुत बन जाएंगे क्योंकि आपके पास पावर एंड मनी आ रहा है और कुछ ऐसी विश पूरी हो रही है जिसके लिए आप बहुत टाइम से रुक रहे थे अब आप उसके लिए नहीं रुकेंगे अब आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे ठीक है सो ग्रुप टू आई विल सजेस्ट यू एज़ आपके लिए फोर ऑफ वनस आ रहा है बड़ा ड्रीम जो है मैरिज का ड्रीम है हाउस का ड्रीम है सोशलाइजेशन का ड्रीम है ट्रैवलिंग का ड्रीम है या फिर एक बहुत ही प्रॉस्पैरिटी की एक इंडिविजुअल लाइफ हस्बैंड वाइफ मैरिड लाइफ आपका और किड्स इस तरीके से आपके लिए प्रोस्पैरिटी की जो बात आ रही है और जो मैं बता रही थी आपको फॉरअवस की आप और लोगों के सामने बहुत अटेंशन ले रहे हैं और आपको लोग सुप्रीम मांग रहे हैं आपसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं आपके काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ये चीज़ आपके लिए बन रही है अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको ये रीडिंग रेजुनेट करी होगी आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी वो कौन सी विश है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स लकी जैम स्टोन सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आई विल सजेस्ट यू ओके बाय हाई ग्रुप थ्री सो नाओ लेट सी आपने फाइल थ्री को सेलेक्ट किया है सो so, आपकी एनर्जी क्या कह रही है और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है नेक्स्ट सिक्स मंथ में जुलाई टू दिसंबर में तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी सो लेट मी सी योर एनर्जी कोई भी गोल है आपका टारगेट है सम समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप लव और करियर सो आपकी एनर्जी क्या कह रही है वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स ओके राइट यहाँ आपकी एनर्जी जो आई है वो एट ऑफ वंस है और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारा मोटिवेशन बहुत सारी गुड न्यूज़ और बहुत सारा एक्साइटमेंट जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ यू नो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं बेसिकली अगर हम बात करें ग्रोथ इंस्परेशन और अ गुड सोशल लाइफ आ रियली ट्रू लाइफ पार्टनर जिनके साथ आप अकेला फील ना करें एंड देर इज़ यूनिटी देर इज़ लव देर इज़ कोऑर्डिनेशन क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है दैट्स एक्चुअली कमिंग कि आप अपनी विद फुल प्योर इंटेंशन प्योरिटी के साथ अपने गोल को टारगेट को अपनी विश को अपने पार्टनर को इनको अचीव करना चाहते हैं सो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ नेक्स्ट सिक्स मंथ में अब आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की ट्रबल आए नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल द गुड न्यूज़ कि आप तक गुड न्यूज़ पहुँचें कि आपने ये अचीव कर लिया या ये पर्सन अब आपके साथ ट्रूली लव के साथ हैं या अब आप यहाँ आगे बढ़ जाएंगे विद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ ठीक है सो इट्स अ गुड एनर्जी राइट सो लेट मी सी वो क्या क्या विशेज़ हैं वो क्या टारगेट्स हैं जो आपके पूरे हो सकते हैं सो so, सबसे पहले हमारे पास है वी हैव द सेवन ऑफ वन्स एंड द क्वीन ऑफ सॉट एंड वी हैव द फाइव ऑफ सॉट ओके okay. सो so, देखो वांस एनर्जी है द सॉड एनर्जी है मतलब कम्प्लीटली बात करें तो जो एट ऑफ वंट्स आ रहा है फायर एनर्जी सो एक डिज़ायर एक एक्सपेक्टेशन एंड होप इसी के साथ आपके लिए सॉड एनर्जी आ रही है पावर की तो अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके लिए एक न्यू एनर्जी भी ला रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वान्स सबसे पहले तो इस सिक्स मंथ में आपकी कुछ ऐसी विश पूरी होगी जो आपको यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन दे रही है इट कुड बी परमानेंट जॉब इट कुड बी अ हायर डेजीनेशन जॉब जहाँ पे कि आप फ्रीडम के साथ हैं आप अपने इंस्ट्रक्शंस आप अपने डिसीजन आप अपने प्लान्स आप अपने रूटीन को बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं और आपके ऊपर कोई डोमिनेंट नहीं है क्वीन ऑफ शॉट बता रहा है यहाँ पे मेंटली आपके पास पावर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेक्स्ट सिक्स मंथ में आपकी जॉब सिक्योर भी हो रही है बहुत ज़्यादा मतलब आपके मन में बार बार टेंशन नहीं रहेगा कि ये रहेगी नहीं रहेगी ये होगा नहीं होगा क्या ये अचीव रहेगा क्या नहीं रहेगा ऐसा क्योंकि यहाँ आपके पास आ रहा है एक यू नो you know, एक कंट्रोल बेसिकली तो ये आपकी लाइफ को भी कंट्रोल आपकी डोमिनेंसी दिख रही है दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ज़्यादा और साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशन है आपके जो प्लान्स हैं आपके जो टारगेट्स हैं उसमें आपका पूरा पूरा फ्रीडम मीन्स यू आर कमिंग मोर एंड मोर सेटल एंड रिलैक्स इन नेक्स्ट सिक्स मंथ रिगार्डिंग योर करियर ठीक है इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट सिक्स मंथ में आप बहुत आ, मैंने जैसे बताया ना फ्रीडम ले रहे हैं तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे मतलब अपनी चॉइस के साथ आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है कि आप ऐसा कुछ प्लान किया तो समन इज़ मेकिंग हार्डल इफ़ सम ने ये चीज़ सोची तो कोई और बैरियर आ रहा है ऐसा नहीं आएगा क्योंकि एवरी थिंग इज़ इन योर कंट्रोल ठीक है सो दैट्स रियली नाइस पावर इज़ कमिंग ये पावर नॉलेज की वजह से है स्किल्स की वजह से है आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से जो भी आप डिसीज़न लेंगे उसकी वजह से बन रही है तो इट्स अ राइट टाइम टू रियली थिंक लॉजिकली विद इंटेलिजेंसी विद विजडम जितना ज़्यादा आप एनालिटिकली प्लान करेंगे वो आपकी विश पूरी हो जाएगी ओके okay. इसी के साथ आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ बॉइंस और सेवन ऑफ बॉइंड कंप्लीट वापस से सुप्रीम एनर्जी है लीडर एनर्जी है तो यहाँ आपको नेक्स्ट सिक्स मंथ में अटेंशन मिल रही है आपके पास उस तरीके का पावर आ रहा है कि आप और लोगों के सामने हायर पोजीशन या हराई की या फिर आपकी जो वॉइस है वो बहुत वैल्यू दे रही है उसको कंसीडर किया जा रहा है तो ये आपके लिए और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उससे आप अब ऊपर उठ जाएंगे वो आप किसी भी फील्ड में हैं और कोई भी आपका बड़ा टारगेट है या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग समवेयर की आपकी यू नो सोशल जो इम्पोर्टेंस है या फिर आपके ऑफिस में जो आपकी uh, जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो वर्थ आपकी इंक्रीज़ हो और यहाँ आप आ रहे हैं लाइक अ लीडर ठीक है तो यहाँ आपकी डेजिनेशन से लेके आपकी वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से डेफिनेटली क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा आप जैसे ही आपके पास पोजीशन आएगी आपके पास पावर आएगी आपकी कंट्रोल में चीज़ें होंगी आप अभी हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो अब आगे नहीं करेंगे लेकिन उससे और लोग आपके लिए कॉम्पिटिटर बन जाएंगे जेलेसी आ रही है और ये जेलेसी यहाँ ऐसे दिख रही है कि आपने कुछ और अच्छा किया तो और लोग और जेलेसी करने लगे और ज़्यादा आपको लेकर कंपटीशन मानने लगे तो ये आपके लिए फीलिंग बनने वाला है एंड दैट्स एक्चुअली गुड है क्योंकि इसका मतलब है कि आप चीज़ों को करेंगे uh, मतलब विद फुल फ्लैज पावर कॉन्फिडेंस और लोगों को ऐसा भी फील होगा कि यू आर नाउ ईगोइस्टिक यू आर रूड यू आर थिंकिंग अबाउट यू ओनली और यू uh, नो you know, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं इस तरीके से लोग आपके लिए ओपिनियन सेट करने वाले हैं इस तरीके से लोग आपके लिए uh, बातें बनाने वाले हैं बट यहाँ पर बहुत अच्छा uh, ये बहुत पॉजिटिव है कि आपका ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत अलग अलग कुछ चीज़ें हो रही हैं आप एक थीम के साथ चल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आपको पावर मिलेगी सिक्योरिटी मिल रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है उसकी वजह से यू हैव योर ओन चॉइसेस डिमांड एंड हेल्प एंड करेज मतलब आप दूसरों के लिए हेल्प भी कर रहे हैं बट हाँ वो हो सकता है दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए आप नहीं करेंगे वो बहुत अगेंस्ट रहे उसके और उसी से ही और लोगों का कंपटीशन आपकी तरफ़ देखने को बनेगा वो आपको ऐसा मानेंगे कि आपसे आगे बढ़ना है आपसे ज़्यादा ग्रोथ चाहिए आपसे ज़्यादा स्टेटस अच्छा रखना चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए स्टेटस सिंबल लग्जरी और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और आइधर यू नो लॉ ऑर्डर का कंट्रोल आपके हाथ में आना या जो पेपर वर्क या फॉर्मलिटीज़ आप चाहते हैं वो आपके फेवर में हो जाना इट कुड बी एनी थिंग रिलेटेड टू वीज़ा और रिलेटेड टू सम लीगल्टीज़ इन दिस यू नो लैंड प्रॉपर्टी एनी थिंग ये सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी एंड आपके लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है जहाँ आपकी पावर आपके साथ है सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग ड्रीम जॉब सम बिग टारगेट्स अबाउट योर बिजनेस और आयदर सम काइंड ऑफ यू नो प्रमोशन तो ये यहाँ पॉसिबल है नेक्स्ट सिक्स मंथ में साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे सेवन ऑफ पॉइंट्स आ रहा है तो अगर आप की तरफ से यू you नो know, इस टाइम में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं बहुत ज़्यादा हार्डली हार्ड वर्क के साथ चलेंगे मतलब बिल्कुल अपने आप को कंफर्ट में नहीं डाल रहे हैं तो उस वजह से अगर आप कोई भी कोई परमानेंट स्टेबल जॉब के लिए या कुछ यू you नो know, एक्वायर करना चाहते हैं अपने फेवर में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा ओके यहीं पे बात कर रहे हैं आपके लिए एट ऑफ वॉन्ट्स था आपकी एनर्जी में रिलेशनशिप यस यहाँ आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक पार्टनर आपको मिलेंगे ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको लेकर बहुत केयर, लविंग एंड ऑनेस्ट होंगे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फेक लव या फिर फेक फीलिंग्स नहीं रहने वाली हैं सो दिस काइंड ऑफ पर्सन यू कैन एक्सपेक्ट अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी क्योंकि ये ये एक मेच्योर एनर्जी दिख रही है एंड दैट इज़ मोर अबाउट द मैरिज प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर लव एंड रोमांस ठीक है तो अगर आप कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं सोच रहे हैं कि नेक्स्ट सिक्स मंथ में कोई प्रपोजल आपके लिए फ़िक्स हो जाए या फिर कोई पार्टनर के साथ फाइनली मैरिज फिक्स हो जाए तो हाँ दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू ओके सो दिस इज़ रियली नाइस ग्रुप थ्री आई होप नू हैव दिस क्लैरिटी एट ऑफ बॉन्ट फुल इंटेंसिटी से एट नंबर भी आपके लिए आ रहा है ये ईयर भी एट नंबर है दैट इज ऑल द दैटन मतलब हार्डवर्क का डेडिकेशन का जो हार्डशिप चल रही है उसे बचे नहीं क्योंकि उसी से ही एंड रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है ठीक है सो आपके लिए ग्रोथ गुड न्यूज़ एंड पावर इज़ कमिंग सो आई होप इसमें से कोई ना कोई विश आपकी ज़रूर रेजुनेट करी होगी जो आप सोच रहे हैं अपने मन में सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन लकी फॉर यू जो हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू ओके बाय